हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा निकाली गई है, यानी कि एम्स नई दिल्ली द्वारा। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी में या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस में। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 है और सैलरी जो है 31,000 रुपये पर मंथ है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 साल है। अगली पोस्ट जो है रिसर्च असिस्टेंट की है IP और इनरोलमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन QC की। इसके लिए कैंडिडेट को BSc पास होना चाहिए क्लिनिकल रिसर्च में या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 3 पोस्ट है। अगर सैलरी की बात करें तो 31,000 रुपये पर मंथ है। इसका अपर एज जो है 30 साल है। अगली जॉब जो है नर्स की है। इसके लिए कैंडिडेट को हाई स्कूल पास होना चाहिए साइंस में, उसके साथ साथ ANM का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट के पास। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 4 वैकेंसी है और एज लिमिट जो है 28 साल है तथा इसका पे स्केल 18,000 रुपये पर मंथ है। अगली जॉब जो है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3rd की है लैब की। इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में या फिर BSc होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में। इसमें BSc डिग्री को 3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की तो 1 है तथा इसका पे स्केल जो है 18,000 रुपये पर मंथ है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 साल है। अब बात करते हैं अगली जॉब की जो मेडिकल सोशल वर्कर की है। इसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए सोशल वर्क में, उसके साथ साथ 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 3 वैकेंसी है और इसके पे स्केल जो है 32,000 रुपये पर मंथ है। इसका एज लिमिट जो है 30 साल है। अगली जॉब जो है सीनियर रिसर्च फेलो फॉर माइक्रोबायोलॉजी की है। इसके लिए कैंडिडेट को MSc होना चाहिए लाइफ साइंस में या फिर माइक्रोबायोलॉजी डिग्री होल्डर होना चाहिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस के साथ। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 है तथा इसका पे स्केल 28,000 रुपये पर मंथ है तथा इसके साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। इसमें मैक्सिमम एज जो है 45 साल है। अगली जॉब जो है लैब असिस्टेंट के, इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। इसके लिए टोटल 1 वैकेंसी है तथा इसका पे स्केल 15,800 रुपये है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 साल है। अगली जॉब जो है रिसर्च ऑफिसर नॉन मेडिकल की है। इसके लिए कैंडिडेट को MSc होना चाहिए लाइफ साइंस में, उसके साथ साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है तथा इसका पे स्केल 48,000 रुपये पर मंथ तथा हाउस रेंट अलाउंस अलग से दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 45 साल है। अगली जॉब जो है कंसल्टेंट की है। इसके लिए प्रोफेशनल होना चाहिए विद MD या PhD कम्युनिटी मेडिसिन या प्रिवेंशन में और सोशल मेडिसिन और पब्लिश्ड पेपर्स में। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अगर पे स्केल की बात करें तो 1,00,000 रुपये पर मंथ है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है 70 साल है। जिन लोगों को फॉर्म फिलअप करना है वो लोग 12 अप्रैल 2019 से पहले tbvaccine2018@gmail.com पर अपनी पोस्ट के साथ मेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।